दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी देख रहे हैं बनारस की स्मार्ट गलियाँ। दोस्तों इन गलियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए। आइए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिक्र और फिक्र के चलते रहने के लिहाज से बनारस अब और भी बेहतर हो रहा है। बनारस के गलियों को काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट बनाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। जगह जगह दीवारों पर पुरातात्विक प्रचलित पेंटिंग की गई है, जिससे बनारस की गलियां काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। गलियों में चुनार के पत्थर बिछाए गए हैं। बनारस में काफ़ी सकरी सकरी गलियां हैं। दोस्तों मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा बनारस शहर गलियों के लिए भी जाना जाता है। शहर की आत्मा यहाँ के गलियों में बसती है। वाराणसी स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहाँ के प्राचीन गलियों का पुनरुद्धार कराया गया है। पुराने पत्थरों को निकालकर चुनार के पत्थर यहाँ बिछाए गए हैं। दोस्तों सीवेज पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर ठीक किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल गलियां ही नहीं बल्कि सड़कों का भी मरम्मत कराया जा रहा है। यहां सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं और घाटों की स्थिति भी पहले के मुकाबले अब बेहतर दिखती हैं। दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है, यदि आप लोगों ने सुशील चौहान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वह मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है। आईडी नेम स्क्रीन पर शो हो रही होगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। आइए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी बनारस में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते पर्यटकों का यहाँ आने पर रोक लगा हुआ है। लग रहा है इसी को देखते हुए काशी विश्वनाथ गली को भी काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं और फिर वहाँ पुनः चुनार के पत्थर लगाए जाएंगे, जिससे विश्वनाथ गली और भी खूबसूरत दिखेगा। हम आपको दिखाएंगे भी, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कारण बनारस में बदलाव की बयार बह रही है। नगर निगम मुख्यालय के पास भव्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। मालवी मार्केट कनाट प्लेस की तरह आकार ले रहा है। गंगा नदी के किनारे गलियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो। फ्लाईओवर ROB फोर लेन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस समय विश्वनाथ गली में हैं। विश्वनाथ गली को पूरी तरीके से यहां पर खोदा गया है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर बालू व गिट्टी को यहां पर रखा गया है। इस गली का भी बहुत जल्द निर्माण किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटा सा शिवलिंग था, वहाँ पर भी लोग पूजा किया करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की गलियाँ कितनी सकरी हैं।